गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप देख रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज़ है। अगर हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई तो हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान होगी। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर्स किन के लिए होंगे? लेक्चर जो भी स्टूडेंट्स जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एम्स, इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लेकिन आपको ये पहले समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने की चीज़ नहीं है, रटने की चीज़ नहीं है, मेमोराइजेशन की चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन करना है लेकिन समझना है उसको। जैसे मैथ्स लॉजिक बेस्ड है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लॉजिक बेस्ड है। उसके कुछ टूल्स होते हैं और उन टूल्स को हमको सीखना होता है, और जब हम उन टूल्स को सीख जाते हैं और उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ टूल्स दे दिए जाए तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए होंगी, तो उसके लिए आप कोई भी बुक जो है मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, जो भी पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करें। और अगर आप साथ साथ चलेंगे हमारे कोर्स में तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए आई वुड से कि आप अनइंटरप्टेड साथ साथ देखें, बैकलॉग मत करें, डेली का डेली लेक्चर्स कंप्लीट करें। और जिन बच्चों को पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है उनके लिए, रिवीजन के लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th की आनी चाहिए, तभी आपको ये लेक्चर्स हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से और समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है हाइब्रिडाइजेशन की, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यू शुड नो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। आपने समझा होगा कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द एटम, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा पाए जाने की होती है इलेक्ट्रॉन की। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म आइडेंटिकल एंड सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोग लेते हैं उनको मिक्स करते हैं, और उनको मिक्स करके हम लोग जितने हम लोगों ने इनपुट में लिए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो एग्जांपल लेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रखिए आपकी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो एग्जांपल हमारे सामने आता है CH4 का, कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कार्बन की, तो 1s2 2s2 2p2 है। क्या है? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए 1s2 को भूल जाते हैं हम लोग, ठीक। अब जो 2s2 और 2p2 है, अगर उसको देखें हम लोग, ठीक है, तो ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। 2p के अंदर भी आप जानते हैं px होता है, एक py होता है और एक pz होता है, एंड दिस इज s 2x, ठीक। अब ये चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ऐसे फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन हैं, और हमको देखिए यहाँ CH4 में चार बॉन्ड बनाने हैं। तो चार बॉन्ड जो बनाने हैं और इसका स्ट्रक्चर जो आया दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर हम लोग इन प्योर ऑर्बिटल से, हाइड्रोजन के प्योर ऑर्बिटल से इनकी बॉन्डिंग कराना चाहेंगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं आने वाला, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। तो यहां देखिए क्या होगा, दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। ग्राउंड स्टेट का मतलब कि ऐसे ही कार्बन एटम रहता है, ठीक है, लेकिन
हाइब्रिडाइजेशन में कई बार क्या होता है कि एटम को एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन को चार बॉन्ड बनाने, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज के यहाँ 2pz में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप देख रहे चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इन ये चारों ही क्या है, पेयर्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर एक एक इनको मिल जाए इलेक्ट्रॉन तो ये पेयर्ड हो जाएंगे और इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर है कि px, py, pz जो है वो 90-90 डिग्री पे हैं, और अगर हम लोग बात करें कि s हाइड्रोजन में आप जानते हैं 1s1 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन आता है और इसके साथ कंबाइन करेगा तो वो यहाँ पर 90-90 डिग्री पे हमें दिखेगा कि जो CH4 के बॉन्ड होने चाहिए वो 90 डिग्री के होने चाहिए, लेकिन वो है 109.5 डिग्री और स्ट्रक्चर है इसका टेट्राहेड्रल, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए 2s, 2px, 2py, 2pz दोनों ही 2 के हैं, इनकी एनर्जी नियरली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं बोला जा रहा है, नियरली सेम एनर्जी। तो अगर इनकी एनर्जी नियरली सेम है तो ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स 1 2x और 3p, तो कितने इनपुट ऑर्बिटल्स हैं, बिकॉज हमने बोला कि जितने इनपुट ऑर्बिटल हैं उतने ही आउटपुट ऑर्बिटल बनते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1s ले रहे हैं और 3p को ले रहे हैं, तो हमने इनपुट में कितने ऑर्बिटल्स ली, 4 ऑर्बिटल्स हमने इनपुट में ली। अब हम इनको मिक्स कर देंगे, जैसे हम लोग दाल और चावल को मिला के इंटरमिक्सिंग करके खिचड़ी बनाते हैं, उसी तरीके से हम लोग S लेंगे और 3p लेंगे और इनको इंटरमिक्स कर देंगे, और इंटरमिक्स करने के बाद ये कुछ चार ऐसा कुछ बन गया मान लीजिए। अब इसको हम लोग चार पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देंगे इक्वल, तो अब इसको क्या बोला जाए जब ये इंटरमिक्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग sp3, बिकॉज इसमें एक पार्ट s का था और तीन पार्ट p के थे, इसलिए इसका नाम पड़ा sp3। और इस तरीके के हमने कितने ऑर्बिटल तैयार करे, क्योंकि हमारे पास इनपुट में कितने हैं, देखिए 2s, 2px, 2py, 2pz चार ही हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे चार sp3 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर लिए, बना लिए इनको। अब एक बार इन्हीं को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब ये जब चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए तो इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो गई, बिकॉज सेम ही चीज है, sp3 तो एग्जैक्टली सेम है, तो ये चार हमारे पास एग्जैक्टली सेम ऐसे हो गए, तो sp3 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 sp3। और चार चीजों को अगर वेस्पर थ्योरी के हिसाब से अरेंज करना होता है तो वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं, इसलिए sp3 इनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया और क्या हो गया, और इनकी जो ज्योमेट्री हो गई वो हो गई टेट्राहेड्रल। आई होप यू अंडरस्टूड कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको हाइब्रिडाइजेशन समझा दिया और ये भी समझा दिया कि CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बारे में बात करने जा रहे हैं, ये तो आपको आता ही रहना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, तो वो देखिए जनरली एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो बॉन्ड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनता है, इस टाइप से बॉन्ड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो जनरली एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, जनरली वर्ड पे देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है जनरली, यानी यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, हम लोग इस लेक्चर में एक्सेप्शन भी डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ना बना के पाई बॉन्ड बनाएंगी, वो एक्सेप्शन भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हर बात बहुत ध्यान से देखिए। जनरली एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और इट कैन एकोमोडेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं और साथ में वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकती हैं, क्लियर रहना चाहिए आपको बात। जनरली इट डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड नहीं बनाती हैं,
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पाई बॉन्ड नहीं बनाती हैं, लेकिन ये रूल नहीं है कि वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एक्सेप्शंस पता होने चाहिए हमको कि जहां वो पाई बॉन्ड भी बना सकती हैं, और वो कैसी कंडीशंस होगी वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड डज नॉट एकोमोडेट सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एकोमोडेट नहीं करती हैं, वो किसको एकोमोडेट करती हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, एक केस के बारे में, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, NH3 के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन में जो उसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, दैट इज 2s2 2p3, ठीक है। तो अगर हम लोग 2s2 2p3 देखें, तो ये 2s2 हो गया, ये 2p3 हो गया। आप जानते हैं कि दैट इज हाफ वे, ठीक है। तो 2s2 2p3 इस तरीके से हो गया। अब यहां पर देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि हमें एक्साइटेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी सब में, और यहां पर देखिए तीन बॉन्ड बनाने, तो कोई भी सोचेगा कि चलो PX, PY, PZ ये तीनों मिलके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लें, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसके हिसाब से जो अमोनिया के एंगल होने चाहिए थे वो 90 डिग्री होने चाहिए थे, बिकॉज PX, PY, PZ एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर इसका? ट्राइगोनल पिरामिडल, और उसके बीच में एंगल है 107, जो इस तरीके की कॉन्सेप्ट से अमोनिया बनने ही वाला नहीं है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहां पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये जो 2s है और ये जो 2px है, 2py है और 2pz है, ये फिर से इंटरमिक्स होते हैं। इस बार भी इंटरमिक्स होते हैं। कितनी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे? इनपिट पे चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी? 4 ही एटॉमिक ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ बनने वाली हैं, और वो कौन सी बनेंगी? sp3, 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 ठीक है, चार बनेंगी, लेकिन बॉन्ड तो यहाँ पर तीन है, तो एक sp3 में लोन पेयर है। देखिए यहां पर एक लोन पेयर है, दोनों एक साथ है ना, इसी को हम लोगों ने बोल दिया लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो लोन पेयर को भी देखिए बनाया, तो यानी कि जब अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 3 सिग्मा और 1 लोन है, तो हम लोग गिन लेंगे 1, 2, 3 और 1, 4, और 4 हुए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। समझ गए आप? तो इसी तरीके से वाटर के केस में 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑक्सीजन के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात। तो क्या यहां से सीखने को मिला? यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिला है कि यानी अगर हम इस बात का ध्यान रखें, यानी हम किसी भी सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लें और नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट कर लें, तो हम उनका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, XeOF2, ठीक। तो जो जिनॉन है उसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसने बॉन्ड किसके किसके साथ बनाया? O के साथ बॉन्ड बनाया, F के साथ बॉन्ड बनाया और एक और F के साथ बॉन्ड बनाया। तो सबसे पहले उसने जो बॉन्ड बनाए वो कैसे बॉन्ड बनाए? उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कितने बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक O के साथ बनाया और 2 F के साथ बनाया। तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है यूटिलाइज हो गए 8 में? उसके 3 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि फ्लोरीन का तो कंप्लीट हो गया,
ऑप्टेड बिकॉज इट वॉज हैविंग सेवन और एक मिल गया, एट हो गया, इस फ्लोरिन के पास भी सेवन थे और एक मिल गया, इसका भी ऑप्टेड कम्प्लीट हो, लेकिन ऑक्सीजन का ऑप्टेड कम्प्लीट नहीं हुआ बिकॉज उसके पास छः थे और छः में उसको एक मिला सेवन, तो उसको एक और चाहिए, तो उसने डबल बॉन्ड बनाया। तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई। तो यहाँ पर जो अभी आया वो पाई, उसको नहीं गिनेंगे हम लोग, यानी अभी हमारे पास कितने सिग्मा है, तीन ही है, पाई नहीं होता है। देखिए इट डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, तो पाई को नहीं गिनना है, केवल सिग्मा को गिनना है। अब ज़ीनॉन को आप देखिए, दो दो चार, यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन, दो तीन चार, ठीक है। तो यहां पर क्या रह गया इसके पास, अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ टू, अब इसके पास लोन पेयर भी बच गया, क्या बच गया, लोन पेयर भी बच गया। तो ये लोन पेयर भी यहां पर पार्टिसिपेट कर गया हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि तीन सिग्मा और कितने लोन पेयर हो गए इसके पास, कितने लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो इस दो लोन पेयर हो गए, इनफैक्ट कितने लोन पेयर हो गए, बिकॉज देखिए अब इसके पास एट थे और इसने एक दो तीन चार पार्टिसिपेट कराए और चार इलेक्ट्रॉन इसके बच गए। ज़ीनॉन, ज़ीनॉन जो है उसके पास एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज वो 18th ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, 18th ग्रुप का है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एट, जिसमें से उसने एक फ्लोरीन के साथ शेयर किया, दूसरा फ्लोरीन के साथ शेयर किया, दो उसने ऑक्सीजन के साथ क्लियर कर दिए, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, चार इलेक्ट्रॉन, और चार इलेक्ट्रॉन का मतलब दो लोन पेयर, तो यानी हम लोग बोलेंगे तीन सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, तो कितने हो गए टोटल फाइव। तो फाइव से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp3d, ठीक है। तो यहां पर हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे हमको पता चल गया, हमें कुछ नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना है और पता करना है कि कितने सिग्मा हैं और कितने जो है लोन पेयर है, केवल उन्हीं को गिनना है, पाई के बारे में कुछ नहीं देखना है। sp3d आ गया और आपको पता होना चाहिए अगर तीन सिग्मा और दो लोन पेयर है तो ये टी शेप्ड होता है, कैसा होता है, टी शेप्ड। तो दिस इज टी शेप्ड मॉलिक्यूल। तो इतनी सारी बातें आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में पता चल गई। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये तो केमिकल बॉन्डिंग की ही बातें थी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp3, sp2 एंड sp। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp3, sp2, sp। कार्बन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, आप जानते हैं कि टू वाली जो शेल होती है उसमें 2s और 2p होते, 2d नहीं होते, डी पहली बार 3 में आता है, इसलिए कार्बन के पास जो है डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए आप नहीं देखेंगे इस तरीके का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d या sp3d2, sp3dt 3 या dsp2, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं देखने वाले बिकॉज डी ऑर्बिटल्स आर मिसिंग इन कार्बन। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के, और आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को आपको करना है और देखना है कि कैसे बताया जा रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस एंड प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर जो भी कार्बन एटम्स हैं या ऑक्सीजन ये एटम है, इनके आप हाइब्रिडाइजेशन जो है बताइए, ठीक है। तो देखिए एक बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ट्रिक है वो समझिए, अगर किसी कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, किसी भी कार्बन में अगर ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। अगर किसी कार्बन में एक डबल बॉन्ड है ठीक है, तो उसमें क्या होगा, sp2। और अगर किसी कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, sp, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका जो अभी बताया गया कि क्या होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपको काउंट करने हैं, बिकॉज कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं और देखने कितने लोन पेयर हैं। वैसे कार्बन में लोन पेयर नहीं होते हैं, लेकिन सब चीज़ों को हमें कंसीडर करना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर कंसीडर करने जा रहे हैं,
ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर हम लोग सी एच टू को देखें तो सी को देखिए, आप सी में क्या है, एक एच एक एच, तो यहां देखिए एक दो तीन चार बॉन्ड, कितने बॉन्ड, चार बॉन्ड। बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तीन सिग्मा बॉन्ड। तो तीन सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, बिकॉज तीन, देखिए एक s और दो p, तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब आप बताइए इसके चार बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, और यहां कितने सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और CH2 के बारे में बात करें तो इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, तो इसमें भी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। आई होप यू गॉट इट। अब आप खुद से ट्राई करिए प्रॉब्लम्स। चलिए अब देखते हैं CH3। अब इसमें तीन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, चौथा भी सिंगल बॉन्ड है, तो चार सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर देखिए एक डबल बॉन्ड है, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3, तो sp2 1 2 3 एक हाइड्रोजन के साथ, तो कितने हो गए sp2, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड केवल दो हैं, एक और दो sp, और इस कार्बन का भी कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक इस कार्बन के साथ कार्बन का, एक हाइड्रोजन के साथ sp। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए sp3 है, इसमें एक डबल बॉन्ड है इसलिए sp2 है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है इसलिए sp2 है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए sp है, और इसमें भी एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए sp है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करें एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस CH2 के बारे में बात करें तो दो हाइड्रोजन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड और एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर होगा नहीं, इसलिए दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 2, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न्स आपके दिमाग में रहने चाहिए कि ऐसा टाइप का दिखे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। जैसे मैथ में पैटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पैटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑक्सीजन में भी आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स कैलकुलेट करने, बिकॉज वही एक तरीका है आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने का। अब आपके पास कितने बॉन्ड थे, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 4 ये रहे, और 2 ने तो बॉन्ड बना लिया। तो आप बताइए कि कितने सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन पे, 1 सिग्मा बॉन्ड, कहाँ दिख रहा है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड लेते नहीं हम लोगों ने, अभी लिखा था वहां पर नोट में। और कितने लोन पेयर है यहाँ पर, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं चौथा, ऑल सिग्मा बॉन्ड, दिस इज sp3 फास्ट करिए, दिस इज sp3, यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो कितना हो गया sp, 1 और 2 sp, सारे सिग्मा बॉन्ड sp3, दिस इज 1 ट्रिपल बॉन्ड sp, दिस इज ऑल्सो 1 ट्रिपल बॉन्ड sp, ठीक है, आपने अब देख लिया। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कैटायन एनायन और कार्बीन्स के हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं हम लोग, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस कर लेना है, दिस इज वेरी इजी, अगर आप एक बार समझ गए तो बहुत आसान होता है कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन या किसी भी एटम के हाइब्रिडाइजेशन को बताना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बोकैटायन कार्बन एनायन और कार्बीन के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं CH3+ CH3-, CH3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, CH2 इसको आपको समझना है एंड CH2 इस चीज को समझना है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, और एक बात आप समझिए, जितने भी 5 चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, और आगे चल के हम लोग इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग
रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनता है, तो बीच में भी कुछ चीज़ें बनती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं ये सारे। तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, ठीक है, ये भी कार्बीन है और ये भी कार्बीन है, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे आखिर हम लोग इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि कार्बन में हम लोग एक्साइटेड स्टेट, आपने सी एच फोर पढ़ा है, तो एक्साइटेड स्टेट में हम लोग यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कार्बन के ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो यानी कि ऑर्बिटल में उसके चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं हाइब्रिडाइजेशन के पहले, ऐसे। अब एक प्लस हो गया, तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। तो यानी हमारे पास तीन ऑर्बिटल हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल क्या पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में? वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो केवल तीन ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट करने जा रही है। कितनी ऑर्बिटल? तीन ऑर्बिटल। तो तीन ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करने जा रही है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ गए? पहले हमने एक्साइटेड स्टेट में चार बनाए, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया CH4 में कैसे एक्साइटेड स्टेट आता है। वहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया और उस एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद हमारे पास तीन ही इलेक्ट्रॉन तीन ऑर्बिटल में बचे। वैकेंट ऑर्बिटल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा कि लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है और एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीन थे और तीन का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर ये आता है क्वेश्चन तो इस तरीके से होगा। अब देखते हैं हम लोग CH3- का केस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपने ओरिजिनल से स्टार्ट करेंगे, यानी चार से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, जैसे वहां पर था वैसे ही यहां पर चार है। अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो फिर क्या हुआ? दिस इज समथिंग लाइक अमोनिया और नॉट। वैसे भी आप देखिए कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो नाइट्रोजन ही बन जाएगा कि नहीं? नाइट्रोजन नहीं बनेगा, लेकिन समझिए आप, नाइट्रोजन जैसा बन जाएगा कि नहीं? तो अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता था? sp3। तो इसलिए नहीं कि अमोनिया में sp3 होता था, इसलिए कि आप देखिए यहाँ पे चार ऑर्बिटल्स हैं, चारों में इलेक्ट्रॉन है और दिस इज लोन पेयर। तो हम लोगों ने बोला लोन पेयर ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए ये तो पार्टिसिपेट करे ही, साथ में ये जो फुलफिल्ड टाइप के ऑर्बिटल है ये भी पार्टिसिपेट कर गई, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। यहां गिनेंगे तो तीन पाएंगे, यहां गिनेंगे आप तो यू आर गोइंग टू गेट फोर ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं CH3 डॉट की, व्हाट डज इट मीन? यहां पर क्या हुआ कि कार्बन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए केवल और एक इलेक्ट्रॉन उसका नहीं बनाया। बहुत ही रिएक्टिव होता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो केवल इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए और इसका एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और हमने बोला कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो तीन सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, एग्जैक्टली सेम लाइक CH3+, बिकॉज देयर आर ओनली थ्री सिग्मा बॉन्ड। अब इसको अगर हमें करना हो, ऐसे लिखना हो, तो हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन तो हैं, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिकॉज ये ऐसे बॉन्ड में है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं रहा, इसलिए ये ऐसे। तो तीन के लिए कैसा होगा? sp2। तो इसका आंसर क्या हो गया? sp2। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। जैसे यहां देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही ऑर्बिटल में थे, ये इलेक्ट्रॉन ने ना तो सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये अलग अलग किसमें रह गए? ऑर्बिटल में रह गए। तो यानी चार इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, ऐसे चार इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4 ऐसे चार इलेक्ट्रॉन थे, इनको भर दिया हम लोगों ने ऐसे चार इलेक्ट्रॉन, जिसमें से
एक ये दिख रहा है कि एक में सिंगल ये दिख रहा है ये बना हुआ, और दूसरा फिर से यही दिख रहा है जैसे कि ये, तो कितने बचे हमारे पास जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, केवल दो। तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक और नॉट? अगर आप लॉजिक समझ रहे हैं तो दिस इज वेरी इजी। अब तो बात हम लोगों ने वहां पे, आप नोट को देखिए पीछे जाके, कि वहां लिखा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर ये दोनों सिंगल हैं एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी सिग्मा बॉन्ड, एंड बिकॉज वी आर काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड इन फॉर्मिंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई वी हैव sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं CH2 की, और एक ही ऑर्बिटल में दो है और एक वैकेंट ऑर्बिटल पर पड़ा हुआ है। तो दीज आर ऑर्बिटल्स जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, और यहां पर देखिए आप, हमने ऐसे लिया, ऐसे चार बना भी दिया, ठीक है, चार, और चार इलेक्ट्रॉन कैसे डाले, एक दो तीन, लेकिन एक तो दिखा रहा है वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है ये, तो एक के अंदर ही दो डाल दिए। तो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन करता है, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2, बिकॉज देर आर थ्री ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं आज के लेक्चर का, दैट इज एक्सेप्शंस टू दिस रूल। हम लोग देखेंगे कहां पर एक्सेप्शन आ जाते हैं, और ऐसा एक्सेप्शन देखेंगे कि जहां पर हम लोग देखेंगे कि पाई बॉन्ड जो होता है उसको भी हमें काउंट करना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब हम लोग यहाँ पे दो एक्सेप्शन देखने जा रहे हैं, एक बेंजाइन का एक्सेप्शन देखने जा रहे हैं, डाइबोरेन का P2S6, और देखते हैं आखिर यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बेंजाइन को बेंजाइन ही क्यों बोल रहे हैं। तो अगर आपने अगर आप ये जानते हैं कि दिस इज बेंजीन, तो वहां देखिए डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जैसे एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, अल्काइन बोलते हैं। इसी तरह दिस इज बेंजीन, जहां पे डबल बॉन्ड है सब जगह, लेकिन बेंजाइन में देखिए क्या हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसलिए इसको हम लोग बेंजाइन बोल रहे हैं। बेंजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे चल के इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन आज इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से हमें समझना है, और इसमें क्या एक्सेप्शन है उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करें। तो अगर हम लोग बात करें बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स के बारे में और उनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें, तो आप किसी भी कार्बन एटम को देखिए तो वो सिमेट्रिकल एक ही जैसा कार्बन दिख रहा है आपको, कि एक डबल बॉन्ड है इसमें और एक क्या है, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर एक हाइड्रोजन है। अब आप यहां पर देख लीजिए कि एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, एक ये, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड अगर हो गए तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, और यहाँ जितने भी एंगल हैं दे आर 120 डिग्री। प्लेनर मॉलिक्यूल जैसे प्लेन है, बोर्ड जो है प्लेन है, इसी पे पूरा मॉलिक्यूल है, कुछ भी ऊपर नहीं है इस प्लेन के और कुछ भी नीचे नहीं है, यानी हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में पाया जाएगा, कार्बन भी इसी में, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी, इसी तरीके से सारे बिल्कुल एक जैसे ही है, इसलिए इसमें क्या होता है कि जितने भी कार्बन होते हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए बात करते हैं बेंजाइन की, और देखते हैं कि इसमें क्या अलग बात है। तो बेंजाइन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगर इस कार्बन को देखें तो इसमें 3 सिग्मा है, ये वाला कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन के बारे में भी बात करें तो ये भी एग्जैक्टली सेम है, इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये भी एग्जैक्टली सेम, और इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये भी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अब बात आती है इन दो कार्बन की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको इसके बारे में नहीं पता है, दे आर गोइंग टू टेल मी कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है
ऐसे होना भी चाहिए था, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसका जो एंगल होगा फिर 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बेंजीन की तरह है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर में यहाँ एंगल जो बन रहा है दैट इज 120 डिग्री, और 120 डिग्री एंगल sp हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं बन सकता। तो यहां पर क्या हो रहा है, और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस बॉन्ड में पाई बॉन्ड बन रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी और कैसे 120 डिग्री यहां पर बन गया। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में चारों इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेते हैं, जैसा हमने सीखा था 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब इसमें अगर ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता, दिस इज s इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज px एंड दिस इज py एंड दिस इज pj, 2s 2px 2py 2pj, ठीक है, मोर प्रिसाइजली। अब यहां पर देखिए अगर इसको sp हाइब्रिडाइजेशन करना होता तो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते और ये दोनों प्योर पाई बॉन्ड बनाते, लेकिन यहां पर देखिए आप 120 डिग्री कब बनेगा, जब ये वाला भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाए, इसका मतलब पीवाई वाला जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसको भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोग ले रहे हैं, यानी कैसा हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का होगा, sp2, और ये कैसा होगा sp2, और यहां पर पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। अभी तक क्या होता था कि केवल सिग्मा बॉन्ड लेते थे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में आप जानते हैं 2 पाई बॉन्ड, 1.1 पाई बॉन्ड नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन दूसरा पाई बॉन्ड बिकॉज इट वॉन्ट्स टू मेक एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो ये वाला जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड है। तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं, जनरल स्टेटमेंट में हम लोगों ने बोला था जनरली पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहां पर एज अ एक्सेप्शन बेंजाइन आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपसे बोला जाए कि ये वाला पाई बॉन्ड मजबूत होगा या ये पीजेड वाला, यहां देखिए 2 है, तो पीजेड वाला प्योर पाई बॉन्ड है और पीवाई वाला जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है sp2, तो यानी कि sp2 वाला प्योर बॉन्ड मजबूत होता है, sp2 यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पाई मजबूत होता है कि प्योर वाला। तो यहां देखिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, यहां क्या होती है प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है प्योर ऑर्बिटल्स में, यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन आर सपोज टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर ढंग से वो ऊपर की तरफ गए हैं 120 डिग्री पे और उन्होंने वहां पर बॉन्डिंग की है, तो दिस इज नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वाला पाई बॉन्ड मजबूत है या ये वाला, तो वी विल से कि दिस इज, ठीक है, यानी कि अगर रिएक्शन कभी होना होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां से टूटने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो आई यू अंडरस्टूड कि पाई बॉन्ड भी पार्टिसिपेट कर लेता है और आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है बेंजाइन वाला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डाइबोरेन दैट इज B2S6 के बारे में पढ़ने जा रहे हो, देखते हैं यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो B2S6 है वो डाइमर है, किसका डाइमर है, BH3 का, ये रहा BH3 का डाइमर है, और BH3 का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो दिस हैज बिकम, ये क्या था, ये ऐसे हो, ठीक है, 2 और 1 इनको दिखाया मैंने, ठीक है, और ये खाली है, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक, 120 डिग्री एंगल है, ये सारा कितना है 120 डिग्री एंगल है, एंड BH3 इज मोनोमर ऑफ दिस। अब क्या होता है कि देखिए जब B2S6 का डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है, देखिए प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है, ये प्लेन के अंदर जा रहा है,
और ये प्लेन के बाहर निकल रहा है और ये प्लेन के अंदर जा रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इनको ब्रिज्ड हाइड्रोजन कहते हैं, बिकॉज यही जोड़ रहे हैं BH3 और BH3 को बना रहे हैं B2S6। यहाँ पर अगर देखें तो बोरॉन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से वो 4 बॉन्ड बना रहा है। बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग कि 3 ही इलेक्ट्रॉन अभी हम लोगों ने देखा और दिस इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है, यानी कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन है जो वो sp3 है। अब हमें समझना है कि ये sp3 आखिर स्ट्रक्चर आया कैसे, ठीक है, कैसे हो गया sp3 स्ट्रक्चर। अगर देखें एक्साइटेड स्टेट में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया बोरॉन के, तो 3 ही थे, लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इस बार वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करी है हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक्सेप्शन क्या है B2S6 में कि वैकेंट ऑर्बिटल हैज पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। प्लीज नोट दैट इसमें पाई बॉन्ड हैज पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें इस बार क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तभी तो 3 ने मिलके 4 बना दिए हैं। इनको मिला दिया गया है, एक वैकेंट को भी रख लिया गया है और इनको मिला लिया गया है, 4 बॉन्ड बन गए हैं। क्लियर है? यहां पे देखिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इट इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड विदाउट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, दिस इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। और यहां पर देखिए कि वैकेंट चारों को इंटरमिक्स किया गया है, एस को और 3p को, अरे 1p में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेके 4 बॉन्ड बना दिए गए हैं। तो ये तो कंप्लीट बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहां देखिए यहां केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन को एक ही बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन ला रहा है, एक उसके लिए पार्टिसिपेट करा रहा है, एक इधर। तो यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 3 सेंटर है, एक हाइड्रोजन का, एक बोरॉन का और एक बार, और इनके तीनों के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर बॉन्डिंग कहते हैं, और इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बनाना बॉन्डिंग। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कि डाइमर में किस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और उसके अंदर कैसे वैकेंट ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, और क्या होता है बनाना बॉन्डिंग, ये भी हम लोगों ने सीखा कि 3 सेंटर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है जब पार्टिसिपेट करते तो उसको बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग, और आपने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर भी सीखा। तो ये भी एक एक्सेप्शन था जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही थी, ये एक एक्सेप्शन था जिसके अंदर पाई जो बॉन्ड बना वो बना हाइब्रिड ऑर्बिटल से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन गया, एक ये था एक्सेप्शन। और एक और एक्सेप्शन अपने आप करने की कोशिश करिएगा, Al2Cl6, दिस इज ऑल्सो डाइमर। डाइमर के केस में ऐसा होता है कि एक्सेप्शन आते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप इसी तरीके से जैसे B2S6 है वैसे ही Al2Cl6 को देखिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपने देखा कि आज के लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और जो नेक्स्ट लेक्चर आने जा रहा है वो प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्लेनर मॉलिक्यूल्स कैसे पहचानते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं वो अगले। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैथ्स में भी मिलने वाले हैं, फिजिक्स में भी मिलने वाले हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आप सब लोगों से बोलूँगा कि डेली पढ़िए आप, एंड आई होप कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग अवर लेक्चर्स।